जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों के लिए होती है और आज 1 तारीख, और ऐसे में 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में रहेंगे, उन्हें अपनी रात तिहाड़ जेल में काटनी होगी। एक बार फिर से विक्रांत का रुख कर लेंगे। विक्रांत, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की दी जाती है, 14 दिन के बाद एक्यूज को दोबारा से पेश करना होता है, ये नियम है जुडिशियल कस्टडी को लेकर, और इसी कारण अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की पुलिस, माफ कीजिएगा, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आप देखिए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया हो या बाकी भी जो आरोपी है, उनकी हर 14 दिन बाद यहाँ पर पेशी होती है, चाहे वो कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर अक्सर फिजिकली यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी उनकी बढ़ाई जाती है। एक तरह से ये जब तक जुडिशियल कस्टडी में एक्यूज रहता है तब तक के लिए यही प्रोसेस चलता है। तो अब तिहाड़ जेल में उन्हें अगले 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वहां पर भी तिहाड़ जेल ने उनके लिए इंतजाम किए हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल कैदी के रूप में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, वहां पर जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी और बाकी चीजों को लेकर भी तिहाड़ जेल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। अब उन्हें तिहाड़ जेल में ही भेजा जाएगा, वहां पर 14 दिन के लिए उन्हें रहना होगा और उसके बाद दोबारा यहां पर पेश किया जाएगा। हालांकि एक उनके लिए रास्ता जरूर खुला है, क्योंकि देखिए अभी इस ऐसी जानकारी नहीं आई है, क्योंकि अभी उनका कुछ देर बाद अब यहाँ से सीधा क्योंकि अब ईडी को नहीं लेना, अब कोर्ट से ही उन्हें नीचे जो लॉकअप होता है जेल का, वहाँ पर भेजा जाएगा और उसके बाद जेल की गाड़ी में जो भी तिहाड़ जेल जिस तरीके से लेके जाती है वो उन्हें तिहाड़ जेल लेकर जाएगी। तो अब ईडी के दफ्तर में उन्हें नहीं जाना, यहीं से कोर्ट से ही, कोर्ट परिसर से ही उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाएगा। अब एक तरह से वो ईडी की हिरासत से कोर्ट की हिरासत में आ गए हैं, न्यायिक हिरासत इसीलिए इसे कहा जाता है, और इसी न्यायिक हिरासत के दौरान जब एक्यूज होता है तो उसे तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। तो अब